नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। ट्रांसफार्मर में हुआ जबरदस्त धमाका, बिजली घर में लगी भीषण आग। महिला से घर में घुसकर छेड़खानी, मकान में लगी आग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ट्रांसफार्मर में हुआ जबरदस्त धमाका, बिजली घर में लगी भीषण आग। जिया जिले में भिवारी शहर के नीलम चौक बिजली घर में लगे ट्रांसफार्मर में तकनीकी खामियां के चलते आग लग गई। इसके चलते ट्रांसफार्मर में जबरदस्त धमाका हुआ और मौके पर फट गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास के एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रांसफार्मर में धमाका और आग लगने पर बिजली कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। जी हाँ, कर्मचारी ने आग बुझाने के सिलेंडरों से आग बुझाने को कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं गया। कर्मचारियों ने फायर स्टेशन को सूचना देकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई और आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की और जनहित जनहानि नहीं हुई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। भिवाड़ी व गुल निगम सहायक अभियंता कालूराम शर्मा ने बताया कि दिन में बिजली पर ट्रांसफार्मर का सही होने का कार्य किया गया था। पूरे दिन बिजली बंद थी और काम पूरा होने के बाद शाम को जैसे ही बिजली चालू की गई, तकनीकी खामियों के कारण ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ और ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया। जी हाँ, फायर स्टेशन की गाड़ियों ने आकर आग पर काबू कर लिया। ट्रांसफार्मर की कीमत करीब 5 लाख रुपये है। अगर आग में जले ट्रांसफार्मर से सप्लाई होने वाली लाइन की बिजली सप्लाई दूसरे ट्रांसफार्मर में चालू कर दी गई है। महिला से घर में घुसकर छेड़खानी। पार्डी में एक महिला से घर में घुसकर छेड़खानी की गई। छेड़खानी की वजह पूछने पर आरोपी ने महिला और उसके पति को गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी गणेश उर्फ गुरुदेव प्रीतमाला गोबोरकर भंडेवाड़ी के है। पीड़िता 35 वर्षीय महिला शनिवार की सुबह घर में काम कर रही थी। उसी वक्त गणेश घर में आकर महिला से छेड़खानी करने लगा। कुछ देर बाद जब पति घर आया तो महिला ने गणेश के करतूत बताई। महिला पति के साथ गणेश के पास जाकर छेड़खानी करने की वजह पूछने लगी। इसे संतप्त होकर गणेश ने महिला के और उसके पति को गालियां देकर धमकाया। पारडी पुलिस ने मामला दर्ज कर गणेश को गिरफ्तार किया है। मकान में लगी आग। सदर के गांधी चौक स्थित एक मकान में आग लग गई। ये घटना शनिवार की शाम करीब 6 बजे हुई। दमकल के अनुसार गांधी चौक के 3 मंजिला इमारत के पहली मंजिल पर रमेश शर्मा के मकान में आग लगी। इस आग से उनके घर का फ्रिज, एसी और अन्य घरेलू सामान जलने से 1 लाख रुपए का सामान जल गया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर आग पर काबू पाया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।